ओ, और ये क्या हुआ? नुमान पहली बॉल पे आउट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज संडे का दिन है और बच्चे सारे घर पे, अनुमान भी घर पे, उप्पो लोग इधर आए हुए हैं हमारे घर, तो उनके भी बच्चे इधर ही हैं और दाऊद वो तो पहले ही इधर ही है। और अभी सुबह सुबह ये नुमान कच काम दे, नुमान को सुबह सुबह क्या मिला? दो अंडे मिल गए नुमान को सुबह सुबह। उसने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो वो मुर्गियाँ रोजाना सुबह दो अंडे देती हैं, दोस्त रखी हुई हैं, तो वो हम खा पी लेते हैं। दाऊद क्या कर रहा है? और मैं तो कुकिंग को बंद कर ला, बाहर निकाल रहा था। ठीक है, और दाऊद जो है वो मुर्गियाँ उनको बाहर निकाल रहा था ताकि वो घर में जो है ना ज़्यादा गंद ना फैलाएं। और अभी मैंने जाना है गांव, क्योंकि मैंने अपना नेट का पैकेज लगवाना है, घर में वाईफाई लगी हुई है और वो इसका नेटवर्क जो है ना वो इतना स्लो है कि वीडियो अपलोड करनी थी आज और वो हो ही नहीं रही। तो अभी मैं जाऊंगा जाके पैकेज लगवा कर जाऊंगा। और नुमान लोग जो हैं वो भी सुबह सुबह का टाइम है और खाना खाने से पहले उनका दिल है कि हम क्रिकेट खेल लें। अभी उसने इब्राहिम को भेजा था कि ले के आए, बुलवा के आए बाकी कज़नों को, और अभी सुबह सुबह क्रिकेट स्टार्ट। अब्दुल्ला और हाशिम खेलने लगे हैं, नुमान अकेला है और हाशिम और अब्दुल्ला साथी हैं, और अभी ये करने लगे हैं टॉस। चलो जी, टॉस जीता है नुमान और उसने बॉलिंग का फैसला किया है। दाऊद और मैं, हम दोनों ऑडियंस हैं, हम बैठ के देखेंगे और ये तीनों लोग खेलेंगे आपस। इस साइड विकेट लगाई हुई है, एक बेल है ऊपर, एक नहीं है, और इधर बॉलिंग साइड। छोटे बच्चों का क्रिकेट का क्रेज चेक करें बस आप। सुबह उठे हैं सिर्फ, ठीक है, और खाना शाना अभी तो नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, और उससे पहले खेलने आ गए हैं। इधर खेल रहे हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो इधर झूले ले रहे हैं। और इधर अब्दुल्ला और हाशिम दोनों आउट हो चुके हैं, और कितना स्कोर बनाया है इन्होंने? 16। और अब नुमान को जीतने के लिए 17 स्कोर करना है। क्या हुआ? नुमान पहली बॉल पे आउट हो गया। बच्चों ने मैच जीत लिया। ये तो नुमान का प्रैंक हो गया। नुमान क्या हुआ? प्रैंक हो गया। खेल रहे थे तो नुमान को मैंने कहा मैं तुम्हें बॉल करवाता हूँ, तो मैंने बॉल करवाई है और उसने शॉट मारी, मैं बॉल पकड़ने लगा कैच कोर्ट में, और ये वाली फिंगर जो है मेरी, ये देखे टेढ़ी हो गई, इस पर लगा बॉल सीधा आ गया और इसे बॉल लगा और अभी तक टेढ़ी है, सीधी भी नहीं हो रही। जब मैं इसको सीधी करने की यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ तो ये काफ़ी पेन कर रही है। अभी इसका देखते हैं क्या होगा, दर्द तो काफ़ी हो रही है वैसे इसकी। जीतू के मैच उन्होंने दूसरे मैच के लिए बॉलिंग का फैसला किया है, और नुमान जो है ना इस बार थोड़ा गुस्से में कह रहा मैंने इस बार ना 50 मारनी है। दाऊद ने मामा से सिफारिश करवाई है, कहता है मुझे भी बारी दे। दाऊद ने खेलने बारी लेनी है, रोक दिया गया है क्योंकि अब्दुल्ला और हाशिम नुमान सब ने खाना खाना है अभी, तो मामा ने बुला लिया सबको, अभी सब खाना खा के उसके बाद आएंगे और दोबारा मैच को रिज्यूम करेंगे यहाँ से। तब तक अभी दाऊद को बारी दी जा रही है, दाऊद को भी बहुत शौक है। सुबह 7 बजे के खेल रहे थे हम, और अभी आप देख सकते हैं 11:06 हो चुके हैं, और 4 घंटे मुसलसल खेल के इस फुल पसीना आया हुआ मुझे भी, नुमान को, अब्दुल्ला को, इब्राहिम को, सारे अपना थका हार के ना अभी आके बैठे। ये नुमान की मुर्गी है, उसने देखी है, उसको भी बहुत शौक है। एक मुर्गा भी था बड़ा, तकरीबन 1.5-2 साल का हो गया था, वो उसका मर गया है कुछ दिन पहले ना, तो दो ये हैं, एक इधर है, तीसरी इतनी है, और इनके ही इनमें से ये दो जो हैं ये दो अंडे देती हैं रोज़ाना, सुबह एक एक अंडा देती हैं ये, और घर के देसी अंडे दो रोज़ाना के मिल जाए
अगर शॉप से लेना हो तो 40 रुपये का एक अंडा मिलता है देसी, ये भी काफ़ी होता है। घर में ही हमने इनका पिंजरा भी रखा हुआ है, वहाँ पे ही होती हैं ये। दूध बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, और दूध जो है वो हम किचन में जो चूल्हा है ना गैस वाला उस पर नहीं बॉईल करते, इस पर जो चूल्हा है ये हमारा लकड़ी का आग वाला इस पर करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर गैस वाले पे करें ना तो इसका जो ना मुझे जायका नहीं ठीक, जायका से लगता चेंज हो गया। तो मामा भी थे किचन में काम लगे हुए, तो उन्होंने मुझे बोला तो इधर बैठो ये बॉयल होके जो है ना उबर के बाहर ना आ जाए। जो दूध के पास बैठने वाली ड्यूटी है ना काफ़ी सख्त है, क्योंकि जो आग होती है इसका जो धुआं होता है ना वो आँखों में पड़ता है, वो बहुत ही आँखों से पानी भी निकल आता है, काफ़ी मुश्किल होता है। अभी मैं इधर बैठा हुआ हूँ तो जो मुर्गियाँ हैं वो इधर पास ही घूम रही हैं, और वो पास इसलिए घूम रही हैं क्योंकि उनको ये शक है कि हमें भी कुछ दाना शाना यहाँ से डालेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कभी कभार जो मामा खाना बनाते हैं ना, मतलब जो रोटियाँ सुबह की हैं ना, वो कभी कभार अगर दिल हो तो वो यहाँ बना लेते हैं। तो जब हम बनाते हैं तो इनको थोड़ा सा आटा डाल देते हैं या ऐसा कुछ। तो जब भी हम जब भी कोई भी मैं या मामा कोई भी इधर बैठा हो ना तो ये यहाँ पे आसपास आ जाती है कि हमें कुछ अभी दाना वगैरह डालेंगे। आज संडे को कुछ स्पेशल बनाया तो है नहीं, तो फ्रिज में देखते हैं ये पड़ा हुआ है, कल बनाया था पास्ता वो, तो इसको गर्म करते हैं। साथ मैं गांव से लेके आया था अभी कोड़े और समोसे, और साथ में पास्ता गर्म कर लेते हैं, तो आज का लंच का काम इससे चलाते हैं। अभी रात हो चुकी है और मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और संडे का दिन गुजर चुका है। बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही एंजॉय किया, सारा दिन सुबह से लेके शाम तक खेलते रहे और खेलते ही रहे हैं, बस और कोई काम नहीं था। अभी थके हुए थे, जो कज़न लोग आए हुए थे वो भी घर चले गए, और नुमान और दाऊद वो भी कमरे में बिस्तर में अभी बैठे हुए। शाम का खाना खा लिया हुआ, मामा भी साथ में रूम में पापा से बात कर रहे थे, और मैंने भी शाकिर मास पढ़ के सारा दिन नुमान लोग खेलते रहे। और नुमान और दाऊद खास तौर पर दोनों बहुत थके हुए थे, और नुमान को जब एक सुबह स्कूल भी जाना है तो वैसे उसको काम वगैरह तो नहीं मिला हुआ इसको खास, मतलब उसके टेस्ट हो रहे थे ख़त्म हो चुके हैं, और सुबह मंडे से उसकी नई क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी वो भी थोड़ा परेशान है, बच्चे होते हैं कि भी सुबह यार स्कूल भी जाना पड़ेगा क्या हो। तो वैसे भी अभी आज का व्लॉग छोटा सा व्लॉग संडे स्पेशल आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आज के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर आपको अगले व्लॉग में।